बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। चैप्टर नंबर 6 जो है वो सीक्वेंस और सीरीज के ऊपर है। सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि द ऑर्डर दे ऑफ खास तरतीब होती है जिसको हम सीक्वेंस बोलते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में नजर आ रहा है हमें 1, 4, 7, 10, ये एक नंबरों की ख़ास तरतीब है। अगर हम गौर से देखें तो 1 और 4 के दरमियान डिफरेंस 3 है, 4 और 7 के दरमियान डिफरेंस 3 है, 7 और 10 के दरमियान भी डिफरेंस 3 है। तो इनमें ये डिफरेंस 3 का आ रहा है जो कि ख़ास डिफरेंस है। तो इस तरह से वो 13, 16, 19 इसकी नेक्स्ट टर्म्स बनेंगी। फिनट और इनफिनिट सीक्वेंसेस, ये इसकी दोनों टाइप्स हैं। फिनिट सीक्वेंस में ये होता है कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें टर्मों की तादाद फिनिट होती है उसको हम फिनिट सीक्वेंस बोलते हैं या उसको फिनिट सीक्वेंस कहते हैं, और इसमें टर्म्स की तादाद फिनिट होती है। जैसे सिर्फ 1, 4, 7, 10 तक अगर रखें तो ये फिनिट सीक्वेंस होगी, लेकिन 10 से आगे डॉट्स अगर लगा दें तो वो फिनिट सीक्वेंस नहीं रहती। इनफिनिट सीक्वेंस में ये होता है कि इसमें एक तो लास्ट टर्म नहीं होती और एक नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होती हैं, इनफिनिट होती हैं, यानी टर्मों की तादाद इनफिनिट होती है। जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन में अगर देखें तो अ सीक्वेंस हैज़ फिनिट टर्म इज कॉल्ड फिनिट सीक्वेंस, तो इन्फिनिट में ये होगा अ सीक्वेंस हैज़ इन्फिनिट टर्म्स इज कॉल्ड इन्फिनिट सीक्वेंस। इस तरह भी हम उसकी डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है इसके मुताबिक है अ सीक्वेंस हैज़ नो लास्ट टर्म इज कॉल्ड इन्फिनिट सीक्वेंस, यानी ऐसी सीक्वेंस जिसकी लास्ट टर्म ही नहीं होती वो इन्फिनिट सीक्वेंस कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको ऊपर नज़र भी आ रहा है कि उसमें लास्ट टर्म नहीं है, तो वो वाली सीक्वेंस हमारी इन्फिनिट सीक्वेंस कहलाएगी। एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 6.1, उसका पहला क्वेश्चन, उसमें हमें लास्ट टर्म या एनथ टर्म या जनरल टर्म दे दी गई है। लास्ट टर्म भी कह लेते हैं, एनथ टर्म भी कह लेते हैं और जनरल टर्म भी इसको कह लेते हैं। वो दी हुई है हमको an = -1 * n² हमने पहले 4 टर्म में लिखनी है। करना सिर्फ ये है कि आपने n की जगह 1, 2, 3, 4 पुट करना है। इसमें n याद रखिएगा, n हमेशा 1 और 1 से ग्रेटर होता है, यानी n 0 नहीं हो सकता, n नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी n जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, यानी कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और 1 और 1 से ग्रेटर नंबर जितने भी होते हैं वो शामिल होते हैं। हम अगर गौर से देखें, अगर n की जगह 1 पुट करते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पर an की जगह 1 पुट करते हैं तो a1 फर्स्ट टर्म आ जाएगी। इस तरह n की जगह जब 2 पुट करते हैं तो a2 सेकंड टर्म आ जाएगी। इस तरह n की जगह जब 3 पुट करते हैं तो a3 थर्ड टर्म आ जाएगी। इस तरह n की जगह जब 4 पुट करते हैं तो n की जगह 4 टर्म आ जाएगी, तो वो a4 कहलाएगी। तो a1 a2 a3 a4 ये फर्स्ट 4 टर्म्स बन जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक। अब हम राइट हैंड साइड पर भी n की जगह जब 1 पुट करेंगे, जैसे हम a1 के अंदर n की जगह 1 पुट करते हैं तो -1 की पावर 1 स्केयर, यानी n की जगह 1 सिर्फ पुट कर देना आपने, तो वहाँ से जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ जाएगा -1। इस तरह n की जगह जब 2 पुट करेंगे यहाँ पे ही तो वो आ जाएगा हमारे पास -1 का स्केयर 2 का स्केयर 4 होता है, वो 4 रह जाएगा। इस तरह जब n की जगह 3 पुट करेंगे तो वो हमारे पास a3 -1 की पावर 3
थ्री स्क्वेयर माइनस नाइन। इस तरह से एन की जगह फोर पुट करेंगे तो ए फोर जो कि माइनस वन की पावर फोर बन जाएगा, फोर स्क्वेयर आपने उसी फॉर्मूले के अंदर एन की जगह फोर पुट कर देना है तो वो हो जाएगा सिक्सटीन। तो फर्स्ट फोर टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास माइनस वन फोर माइनस नाइन सिक्सटीन, माइनस वन फोर माइनस नाइन सिक्सटीन, ये इसकी पहली चार टर्में आ जाएंगी इसकी। तो हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम इसको पढ़ रहे हैं तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसका सेकंड पार्ट वन का करना है और थर्ड पार्ट भी हमने करना है। तो थर्ड पार्ट में भी बिल्कुल वैसे ही आप इनकी जगह वन टू थ्री फोर पुट करेंगे, जैसे ही इनकी जगह वन पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर वो आ जाएगा ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर, और राइट हैंड साइड पर जहाँ जहाँ एन मौजूद है वहाँ वहाँ आप पहले वन पुट करेंगे फिर टू पुट करेंगे फिर थ्री पुट करेंगे और फिर फोर पुट करेंगे। जैसे अगर हम वन पुट करते हैं तो वो आ जाएगा माइनस वन की पावर वन, टू इंटू वन माइनस थ्री, तो इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई करेंगे तो वन आ जाएगा। इस तरह से एन की जगह जब टू पुट करेंगे तो माइनस वन का स्क्वेयर टू इंटू टू माइनस थ्री, तो वो हो जाएगा फोर माइनस थ्री का आंसर वन, माइनस वन का स्क्वेयर वन, तो ओवरऑल आंसर वन आ जाएगा। इस तरह जब एन की जगह हम थ्री पुट करेंगे तो माइनस वन की पावर थ्री टू इंटू थ्री माइनस थ्री, टू इंटू थ्री का आंसर सिक्स, सिक्स माइनस थ्री का आंसर थ्री, माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन होती है तो माइनस वन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा। इस तरह से ए फोर हमारे पास, तो इनको आपने वन वन माइनस थ्री और फाइव को हम लिख देंगे नीचे और दरमियान में कॉमा का निशान लगा देंगे, ये हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगी। कॉमा के निशान लगाने ज़रूरी हैं। इस तरह से इसका सेवन्थ पार्ट है वन का, उसमें एन की जगह वन टू थ्री फोर पुट करेंगे हम, क्योंकि पहली चार टर्म में मालूम करना चाहते हैं इसलिए हम चार तक ही पुट कर रहे हैं। अगर हमने पांच टर्म में पुट करनी होती तो वन टू थ्री फोर फाइव तक पुट करते हैं हम, क्योंकि हमने फर्स्ट फोर टर्म्स करनी है इसलिए हम एन की जगह वन टू थ्री फोर ही पुट करेंगे। तो बिल्कुल उसी अंदाज से पुट करेंगे, ए लेफ्ट हैंड साइड पर एन की जगह वन पुट करेंगे तो ए वन आ जाएगा, इस तरह राइट हैंड साइड पर जहाँ जहाँ एन मौजूद है वहाँ पर वन पुट करेंगे तो हमारे पास वन ओवर टू प्लस वन वन ओवर थ्री आ जाएगा, और यूँ ए वन ए टू ए थ्री ए फोर हमारे पास टर्म ही आ जाएंगी, तो वो जो कि बनेगी वन ओवर थ्री कॉमा टू ओवर फाइव कॉमा थ्री ओवर सेवन कॉमा फोर ओवर नाइन। इसका सेवंथ पार्ट अगर देखें, वन का सेवंथ पार्ट, ये खासा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर निशान लगा लें इम्पोर्टेंट का। ए एन माइनस वन इक्वल एन प्लस टू और ए वन इक्वल टू, ये हमें सारा दिया हुआ है। आपने एन की जगह वन नहीं पुट करना क्योंकि ए वन हमें दिया हुआ है, हम एन की जगह वन पुट करेंगे वो ए वन माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा, ए ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास नहीं होती। आपने एन की जगह टू पुट करना है, एन की जगह वन पुट करेंगे तो ए वन वो हमें दिया हुआ है इसलिए वो हम पुट नहीं कर सकते। अब हम इनकी जगह सिर्फ टू ही पुट करेंगे या थ्री पुट करेंगे या फोर पुट करेंगे, क्योंकि पहली टर्म है, सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म नहीं है, इसलिए हम टू थ्री और फोर हम पुट करेंगे। जब हम टू पुट करेंगे तो ए एन की जगह तो ए टू आ जाएगा, जब टू पुट करेंगे ए एन माइनस वन की जगह तो ए टू माइनस वन आ जाएगा, तो ए टू माइनस वन का आंसर ए वन हो जाएगा। उसको आप ले जाएँ राइट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पर जो ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वहाँ पर एन की जगह जब टू पुट करेंगे तो टू प्लस टू फोर हो जाएगा, वो माइनस ए वन जब राइट हैंड साइड पर जाएगा येलो ब्लॉक के अंदर, इस येलो ब्लॉक के अंदर जब जाएगा ए टू माइनस ए वन जो कि उधर जाकर ए वन हो जाएगा, तो ए वन की वैल्यू हमें गिवन है जो कि टू है, वो हम पुट करेंगे टू, तो वो टू प्लस फोर मिलके सिक्स हो जाएगा। इस तरह से जब हम एन की जगह थ्री पुट करेंगे तो वो ए थ्री जो ब्लू बॉक्स के अंदर आपको नजर आ रहा है माइनस ए थ्री माइनस वन, ए थ्री माइनस वन जब उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पर तो वो ए टू प्लस फाइव हो जाएगा। फाइव कैसे बन गया, आप स्टेटमेंट में जाएं, स्टेटमेंट के अंदर जो गिवन स्टेटमेंट है वहाँ पर एन प्लस टू लिखा हुआ है, क्योंकि आप थ्री पुट कर रहे हैं तो थ्री प्लस टू फाइव, इस तरह से वो फाइव बनेगा। और ये ए थ्री माइनस वन से
ए टू हासिल होगा जो राइट हैंड साइड पर जाके पॉजिटिव ए टू हो जाएगा, और ए टू की वैल्यू हमने येलो बॉक्स के अंदर 6 निकाली हुई है, वो 6 जब हम इधर पुट करेंगे तो 6 + 5 = 11 आ जाएगा। इस तरह जब इनकी जगह हम 4 पुट करेंगे तो ए फोर माइनस ए थ्री बन जाएगा, ए फोर माइनस ए थ्री राइट हैंड साइड पर जाकर ए पॉजिटिव ए थ्री हो जाएगा, 4 + 2 का आंसर 6 हो जाएगा ये पर्पल बॉक्स के अंदर ब्लॉक के अंदर, तो 6 में ए थ्री ऐड कर देंगे, जबकि ए थ्री हम ब्लू बॉक्स से देंगे जो कि 11 ऊपर वाले बॉक्स में लेंगे जो कि 11 ए थ्री की वैल्यू, वो ए थ्री की वैल्यू 11 पुट करेंगे तो 11 + 6 = 17 हो जाएगा। तो फर्स्ट फोर टर्म्स क्या आएंगी, फर्स्ट फोर टर्म्स आएंगी हमारे पास 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 येलो बॉक्स से 6, ब्लू बॉक्स से 11, पर्पल बॉक्स से 17, तो 2, 6, 11, 17 इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स आ जाएंगी। बच्चों तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी, तो ये आप प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ आप बुक में एग्जांपल्स वगैरह भी देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें अगर देखें तो फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें A7 हमने फाइंड करनी है, सीक्वेंस दी हुई है 2, 6, 11, 17, तो इसमें देखना होगा जो सीक्वेंस की तरतीब किस तरह से है। अगर हम गौर से देखें 2 और 6 के दरमियान डिफरेंस जो है वो 4 का है, 6 और 11 के दरमियान डिफरेंस जो है वो 5 का है, 11 और 17 के दरमियान डिफरेंस जो है वो 6 का है, यानी एक एक का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, पहले 4 का था फिर 5 का है फिर 6 का है, तो 17 से जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें 7 का डिफरेंस होगा, यानी 17 में 7 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म A5 हमारे पास आ जाएगी जो कि 24 बनेगी। इस तरह से A5 से अगली टर्म A6 बनेगी, जैसा कि आपने हमने डिस्कस किया अभी कि एक एक का डिफरेंस ऐड होता जा रहा है, 17 में 7 ऐड करेंगे 24 आ जाएगा, तो 24 में 8 ऐड करेंगे यानी 1 बढ़ाते जाएंगे हम, तो वो 24 + 8 के कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इस तरह से हमने क्योंकि A7 यानी 7th टर्म फाइंड करनी है जो कि लास्ट बॉक्स में नज़र आ रही है, तो 32 A7 की जो प्रीवियस टर्म है वो A6 है, तो A6 यानी 32 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 41 आ जाएगा। यूँ इस तरह से हुआ है कि 2 और 6 के दरमियान डिफरेंस 4 का आ रहा है, 6 और 11 के दरमियान डिफरेंस 5 का आ रहा है, 11 और 17 के दरमियान डिफरेंस 6 का आ रहा है, 17 और 24 के दरमियान डिफरेंस 7 का आ रहा है, इस तरह नेक्स्ट के दरमियान डिफरेंस 8 का, यानी एक एक डिफरेंस बढ़ाते जाएं और वो प्रीवियस टर्म्स में ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट टर्म्स हमारे पास आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से A7 ही उसने पूछी हुई थी, तो A7 हमारे पास आ गई 41। इस तरह से आपको फिफ्थ पार्ट नज़र आ रहा है, 1 -3, 5 -7, 9 -11, इसको हम अगर गौर से देखें तो दो तरह की टर्में हमें नज़र आ रही हैं, 1, 5, 9, इनको हम और टर्म्स बोलेंगे, -3, -7, -11 इनको हम इवन टर्म्स बोलेंगे, ऑड टर्म्स के दरमियान भी 4 ही ऐड हो रहा है, 1 के अंदर 4 ऐड करेंगे 5, 5 में 4 ऐड करेंगे 9, तो 9 में 4 ऐड करेंगे 13, जो कि A7 उसने नीचे निकाली हुई है, A7 4 + 9 जो कि 13 निकाली हुई है। इस तरह से A7 किस तरह से है अगर गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी -11 जो है वो 6th टर्म है, तो -11 से जो नेक्स्ट टर्म होगी वो A7 होगी, हमें A8 चाहिए, तो A8 कैसे आएगी अगर -11 में -4 ऐड कर दें तो हमारे पास -15 आ जाएगा, तो यूँ 8th टर्म हमारे पास -15 आ गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें अगर हम देखें 1, 3, 7, 15, 31, तो वो हमारे पास वो अगर गौर से देखें तो इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने बतानी है, 1 और 3 के दरमियान डिफरेंस 2 का है, 3 और 7 के दरमियान डिफरेंस 4 का है, 7 और 15 के दरमियान डिफरेंस 8 का है, तो वो अगर हम देखें नीचे द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज, पहले में 2 की पावर 1 का डिफरेंस है, उससे अगली में 2 की पावर 2 का डिफरेंस है, उससे अगली में 2 की पावर 3 का है, तो 31 से नेक्स्ट वाली में 2 की पावर 4 का होगा, तो
तो 2 की पावर 4, 2 की पावर ए 6 निकालने के लिए 2 की पावर 5 हम ऐड कर देंगे 31 में, तो 63 आ जाएगा। ए 7 निकालने के लिए 2 की पावर हम 6 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 127 हो जाएगा। तो बाकी जो इसका चौथा पार्ट है वो आप खुद करेंगे।